दोस्तों, मैं अंकित अवस्थी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AM इंस्टीट्यूट में। बेटा, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे और डिफरेंशियल इक्वेशन जो चैप्टर चल रहा था इंटीग्रेशन में, तो उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे 9.2 एक्सरसाइज में। उसी के आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन किस तरह से करने हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और कल मैंने इसकी कंसेप्ट बताई थी, जिन लोगों ने कल का लेक्चर नहीं अटेंड किया वो लोग कल का लेक्चर अटेंड करें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो बिना समय बर्बाद किए क्लास करता हूं स्टार्ट आज की। जो लोग चैनल पर रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा है, लिखा हुआ है y इज इक्वल टू x साइन x, देन प्रूव दैट y इज इक्वल टू है x साइन x, देन प्रूव दैट, प्रूव करके लाना है एक्स वाई डैश इज इक्वल टू y प्लस x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये लाना है बेटा। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आप थोड़ा सा अगर माइंड यूज करेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा सिंपल हो जाएगा। देखिए, वाई इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स है, इसको इक्वेशन वन बना लेते हैं और इसका बेटा डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएशन करें बेटा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा, y का आएगा y डैश, क्या जाएगा y डैश। ये आप लोगों को बताया गया था, जब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं तो y डैश होता है, सेकंड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं y डबल डैश होता है, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन करते हैं y ट्रिपल डैश होता है। तो इसी तरह से आगे प्रोसीड होता रहता है। अब इसमें लगाएंगे बेटा फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला। ठीक है, फर्स्ट इंटू सेकंड लगेगा डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला। ठीक, तो पहले को छोड़ दीजिए, मीन्स x को लीव किया, साइन x का बेटा क्या होगा cos x होगा। ठीक है, और प्लस साइन x और x का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा बेटा। पहले को छोड़ा दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ेंगे पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो y डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x cos x प्लस साइन x। ठीक, तो हम लोग इक्वेशन बना देंगे 2, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन वन से हम लोग x साइन, यहां पर देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू क्या लिखा है, y इज इक्वल टू क्या लिखा है x साइन x लिखा बेटा। तो यहां से अगर हम लोग साइन x की वैल्यू निकालेंगे तो साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी अपन लोगों को वाई अपॉन एक्स, क्या मिल जाएगी वाई अपॉन एक्स। अगर साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये एक्स जो है वो अपॉन में आ जाएगा तो वाई अपॉन एक्स मिल जाएगा। अब हम लोग कॉस एक्स निकाल लेते तो कॉस एक्स इज इक्वल टू आप लोग जानते हैं अंडर रूट में होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सभी लोगों को पता। तो यहां से क्यों ना इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लिया जाए, तो रख दें यहां पर अंडर रूट लगाएंगे 1 माइनस और साइन एक्स की वैल्यू रख देंगे तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब सिंप्लीफाई हो जाएगी तो बेटा रूट में आ जाएगा यहां पर वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमको वैल्यू मिल जाएगा किसका, कॉस एक्स का मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें साइन एक्स भी मिल गया और कॉस एक्स भी मिल गया। ये दोनों वैल्यू जो आई है ये इक्वेशन किसमें पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो बेटा। तो जैसे ही सेकंड में पुट करेंगे तो लिखेंगे पुटिंग इन इक्वेशन सेकंड। तो जैसे पुट करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू देखेंगे x और cos x के प्लेस पर ये वैल्यू रखेंगे तो बेटा रूट x स्क्वायर है रूट में तो रूट से तो बाहर निकल आएगा ना, तो क्या मिल जाएगा अंडर रूट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा x। ठीक है, और प्लस sin x के प्लेस पर क्या रख देंगे y अपॉन x। ठीक, तो y डैश इज इक्वल टू LCM क्या आएगा x, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा y, ये इधर आ जाएगा। तो इसको हम लोग अगर लिख देंगे तो एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस y, यही हम लोगों को प्रूव करना था, नहीं समझे, यही क्या करना था प्रूव करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को, बहुत अच्छे समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, अच्छे से आ रहा। ठीक है, आगे चलते हम लोग देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का। ठीक है, जो हम लोग को प्रूव करने के लिए आया था वो आ गया यहां पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का या इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7।
बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे तो आप सारे क्वेश्चन लगा लेंगे। थोड़ा सा बस देखते हैं, क्वेश्चन लिखा है 7 नंबर, एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी। प्रूफ करके लाना है, प्रूफ क्या करके लाना है वो मैं बगल में लिख रहा हूं उसके। प्रूफ करके लाना है वाई डैश इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये प्रूफ करके लाना है। कैसे लाएंगे देखिए, ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बेटा लगा देते हैं क्या, फर्स्ट इंटू सेकेंड, एक्स वाई जो लिखा हुआ उसमें लगाइए फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो जब इसमें बेटा फर्स्ट इंटू सेकेंड अप्लाई करेंगे तो एक्स को लीव करेंगे, वाई का क्या होगा वाई डैश प्लस वाई को लीव करेंगे एक्स का 1 होगा, लॉग वाई का करेंगे तो 1 अपॉन वाई आएगा और साथ में लॉग वाई का क्या हो जाएगा, लॉग वाई का 1 अपॉन वाई साथ में वाई डैश आ जाएगा प्लस सी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है क्लियर, तो इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, ठीक है इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो तो क्या आ जाएगा एक्स वाई वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश। इस पार्ट को इधर ले आओ तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई वाई डैश, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वाई डैश क्या आ जाएगा कॉमन, तो अंदर आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई, तो वाई डैश बराबर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यही हम लोगों को प्रूव करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था, आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है क्लियर सभी को, आगे चलेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8, क्वेश्चंस को बेटा नोट करते रहिए और स्क्रीनशॉट लेते रहिए सॉल्यूशन का। ठीक है आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। 8 में देखिए बेटा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर एट लिखा है y माइनस कॉस y इज इक्वल टू एक्स, देन प्रूव करके लाना है y साइन y प्लस कॉस y प्लस एक्स बाहर y डैश इज इक्वल टू y, ये लाना देन प्रूव दैट, ये प्रूव करके लाना इक्वेशन ये दिया गया वन। ठीक क्लियर, अब इक्वेशन तो गिवन करके दिया गया बेटा, अब उसी इक्वेशन से हम लोगों को ये प्रूव करके लाना है। कैसे प्रूव करेंगे देखिए, आज देखते हैं समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बेटा वाई लिखा है, कॉस वाई लिखा है और एक्स लिखा है, तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन आप लोग जानते हैं वाई डैश आ जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और साथ में आ जाएगा वाई डैश, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, तो एक्स के रिस्पेक्ट में अगर साइन एक्स का करते हैं तो होता है कॉस एक्स, या कॉस एक्स का करते हैं तो माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन अगर वाई लगा होता है तो वाई की कंडीशन पर क्या होगा कि वो तो आएगा आएगा साथ में उसके वाई डैश भी आएगा। ठीक है ये आप लोगों ने ऑकलैंड में पढ़ा होगा, ठीक है डिफ्रेंसिएशन में एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई। अब हम लोग यहां देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू आ गई है वाई डैश प्लस साइन वाई और वाई डैश बराबर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है अब हम लोगों को प्रूव करके लाना है वाई साइन वाई, ठीक है कॉस वाई प्लस एक्स और वाई डैश इज इक्वल टू वाई, इस तरीके से हम लोगों को लेके आना है। ठीक है तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा, इसमें आप क्या करोगे y से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है y से मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाइंग बाय y ऑन बोथ साइड, जब बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे y से तो क्या बन जाएगा y y डैश, ठीक है प्लस साइन y y और y डैश बराबर वाई, ये रहेगा। हम लोग अगर वैल्यू निकाल लें यहां से वाई का क्या आ जाएगा एक्स प्लस कॉस वाई आ जाएगा, ये वाई का वैल्यू यहां शिफ्ट कर दो, ठीक है ये वाई का वैल्यू यहां शिफ्ट कर दो, इस साइड रखना इधर साइड नहीं, क्योंकि इधर साइड तुमको प्रूफ करके वाई लाना ही लाना है, जिस साइड लाना उस साइड नहीं रखेंगे, इधर साइड रखेंगे
तो यहां रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस कॉस वाई और वाई डैश, ठीक, प्लस वाई साइन वाई डैश साइन वाई और वाई डैश बराबर वाई, ठीक। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो एक्स वाई डैश प्लस वाई डैश कॉस वाई, ठीक, और प्लस वाई साइन वाई वाई डैश बराबर वाई। अब हम लोगों को जो प्रूव करना है वो लाते हैं। तो कॉमन क्या आ रहा है पूरे में, देख रहे हैं वाई डैश आ रहा है इस पूरे में कॉमन, तो हम लोग देख रहे हैं तो अंदर क्या बचेगा, वाई साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस एक्स, और बाहर हो जाएगा वाई डैश बराबर आ जाएगा वाई। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8, आई होप सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, नोट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। जो y का मान है ये वाला, ये मान केवल यहां रखा गया है, बाकी और कहीं नहीं रखेंगे। अगर यहां और कहीं हमने रख दिया तो गलत हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि हमको तो यहां प्रूव करके लाना ही, और y साइन y लाना ही लाना है, तो वहां जहां लाना है वो तो हम रखेंगे नहीं, हम लोग तो केवल वो वैल्यू रखेंगे जहां पर हम लोगों को लाना है। आप देख रहे थे कि cos y लाना है, मतलब cos y तो केवल y वाले टर्म से आएगा, तो यहां से y का मान निकाल लिया और यहां पुट कर दिया। क्लियर? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का या नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 9 नंबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स y, एंड प्रूफ करके लाना है y स्क्वायर y डैश प्लस y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट में, ठीक है, आए देखते हैं इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन करते हैं इक्वेशन फर्स्ट का। तो इक्वेशन फर्स्ट का जब डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, तो एक्स का 1 आएगा, वाई का वाई डैश आएगा, और इज इक्वल टू इसका आ जाएगा टेन इनवर्स वाई का 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ ही साथ वाई डैश भी आएगा, क्योंकि बेटा अगर एक्स होता तो टेन इनवर्स एक्स का होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां वाई है तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर तो होगा होगा, और साथ में वाई डैश भी आएगा, ठीक है, क्लियर। आप इसको इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा, इसका जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 के साथ करेंगे पहले तो 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस इसमें कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में बाहर वाई डैश आ जाएगा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा वाई डैश। तो इसको बेटा थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश बराबर आ जाएगा वाई डैश। तो ये वाई डैश और ये वाई डैश क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपको बचा क्या वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो ये आपका इक्वेशन प्रूव करना था, जो प्रूव करना था वही आ गया बेटा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन का, नोट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 10 भी, इसी के बगल में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। क्वेश्चन है 10, क्या लिखा है, y इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रूफ इसमें सॉल्व करके प्रूफ करके लाना है एक्स वाई एक्स प्लस वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये लेकर आना है, ठीक है। कैसे करेंगे देखो, बहुत सिंपल है कैसे करेंगे। अब ये जो लिखा हुआ है इसको बेटा इक्वेशन फर्स्ट को स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट तो हट जाएगा, रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, तो जैसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो वाई स्क्वायर का आएगा टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ए स्क्वायर का 0 माइनस का हो जाएगा 2x। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, ये माइनस का एक्स इधर ले आओ तो एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर dx इज इक्वल टू क्या बचा 0, dy अपॉन dx को पढ़ते हैं क्या बेटा y डैश, तो x प्लस वाई और y डैश पढ़ने की जरूरत ही क्या, हम लोगों को प्रूफ तो यही करना है ना, ठीक है, हम लोगों को प्रूफ तो यही करना है ना, आ गया प्रूफ, ओके, ठीक है, क्लियर। सभी स्टूडेंट्स को आई होप क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है।
आई होप क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से आपकी 9.2 एक्सरसाइज बेटा क्लोज होती है। अब आप लोगों को 9.3 एक्सरसाइज पढ़ाई जाएगी कल के लेक्चर में, तो आप लोग क्वेश्चन और लगाइए 9.3 के, जो भी आप लगा पाते हैं तो लगाइए, नहीं तो मैं आगे आप लोगों को कल के लेक्चर में बताऊंगा। अगर वीडियो आज का पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को शेयर करिए बेटा। थैंक यू।